क्रिकेट वर्ल्ड की अगर सबसे खूबसूरत जोड़ियों की बात की जाए तो उसमें रोहित शर्मा और रितिका सचदेव की जोड़ी सबसे ऊपर आती है, और इसका पहला रीजन ये है कि ये लविंग कपल एक साथ बेहद खूबसूरत लगता है, और दूसरा ये कि ये नॉन बॉलीवुड कपल है। अक्सर अपनी खूबसूरत फोटोज और हॉलीडे मस्ती के लिए चर्चा में रहने वाला ये कपल हर किसी को पसंद है, और भाई हो भी क्यों ना, दोनों ने अपनी शादी के 8 साल बाद भी पहले जैसा ही प्यार बरकरार रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं अचानक रोहित और रितिका की प्रेम पुराण आपको क्यों सुनाने लगी। वो इसलिए क्योंकि आज का दिन इन दोनों के लिए बेहद खास है। आज के दिन इन दोनों की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिसे ये दोनों पूरी लाइफ सेलिब्रेट करते रहेंगे। क्यों है आज का दिन इन दोनों के लिए खास, बताएंगे आपको पूरी कहानी। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। हाय एवरीवन, मेरा नाम है तान्या एंड यू आर वॉचिंग स्पोर्ट्स वाला। मैं बात कर रही हूँ रोहित शर्मा और रितिका की। 13 नंबर रोहित शर्मा के लिए हमेशा से ही लकी रहा है। ये 13 दिसंबर ही था जब 2017 में रोहित शर्मा ने अपने करियर की तीसरी डबल सेंचुरी मारी थी। इससे पहले उन्होंने अपने ओडीआई करियर का सबसे बड़ा स्कोर 264 भी 13 नवंबर 2014 को बनाया था, और आज 13 दिसंबर है। लेकिन आज का दिन रोहित शर्मा के लिए ग्राउंड पर नहीं बल्कि ग्राउंड के बाहर का लकी दिन है, और इतना ही नहीं आज का दिन उनकी पूरी लाइफ का सबसे लकी दिन भी है। जी हाँ, अब ज्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करती और आपको सीधे बताती हूँ। आज रोहित शर्मा और रितिका सचदेव की 8वीं मैरिज एनिवर्सरी है, और यही वजह है कि आज हम आपको रोहित और रितिका की लव पुराण सुना रहे हैं। आज ही के दिन 8 साल पहले रोहित और रितिका हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। आज इसी दिन को याद करते हुए रितिका ने अपने सोशल मीडिया पर कुछ बहुत सुंदर तस्वीरें पोस्ट की हैं। ये रोहित और रितिका की पुरानी फोटोज हैं जिन्हें शायद रितिका ने बेहद संभाल कर रखा हुआ था। रितिका ने ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, उस लड़के के लिए जिसने मेरी जिंदगी में आने के दिन से ही बदलाव ला दिया, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मेरा कमेडियन, मेरा मनपसंद इंसान और मेरा घर होने के लिए थैंक यू। आपके साथ लाइफ किसी मैजिक से कम नहीं। लव यू रोहित शर्मा। मुझे पूरी उम्मीद है कि रितिका द्वारा रोहित के लिए लिखे गए इस खूबसूरत मैसेज को देखकर रोहित शर्मा जरूर इमोशनल हो गए होंगे। लेकिन उनसे पहले रोहित के फैंस इस मैसेज को देखकर काफी खुश हैं, और रितिका के इस मैसेज को शेयर करते हुए रोहित शर्मा को शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आपको बता दें कि रितिका एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए काम करती थी जहां युवराज सिंह क्लाइंट थे, इसलिए अक्सर युवराज और रितिका का मिलना जुलना होता था, जिसके बाद युवराज को रितिका अपना भाई मानने लगी और राखी बांधने लगी। इसी दौरान एक शूट के लिए रितिका और रोहित पहली बार मिले। अब यहां मजेदार बात यह है कि जब रितिका और रोहित मिले तो उन्हें देखकर युवराज ने रोहित से कहा, भाई मेरी बहन से दूर ही रहना। खैर, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। पहली मुलाकात के बाद भी रोहित और रितिका ने मिलना जारी रखा, और फिर रितिका फिर रोहित की मैनेजर भी बन गई। धीरे धीरे इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गई, जिसके बाद दोनों में दोस्ती हुई, और देखते ही देखते ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई इन दोनों को खुद ही पता नहीं चला। कुछ दिन डेट करने के बाद एक दिन रोहित शर्मा ने रितिका को बोरीवली स्पोर्ट्स क्लब में प्रपोज किया था, जिसके बाद 13 दिसंबर 2015 को ये दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। इस खूबसूरत कपल की एक खूबसूरत बेटी समायरा भी है जो 5 साल की है। अब जब रितिका ने रोहित को एनिवर्सरी पर इतना स्पेशल गिफ्ट दिया है, तो हम आपको रोहित शर्मा की भी एक स्टोरी बता देते हैं। जब उन्होंने रितिका को हजारों की भीड़ में एक स्पेशल गिफ्ट दिया था, साल 2017 में मोहाली के मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच के दौरान रोहित शर्मा ने दोहरा शतक जड़ने में कामयाबी हासिल करी। श्रीलंका के खिलाफ 208 रनों की नाबाद पारी खेलने के बाद रोहित शर्मा ने अपनी वाइफ यानी रितिका सचदेव को ये पारी डेडिकेट कर दी। रोहित शर्मा ने मैच के बाद बताया कि ये पारी बेहद स्पेशल थी और इसे मैं अपनी वाइफ को एनिवर्सरी गिफ्ट के रूप में देता हूँ। वहीं इस पारी के बाद रितिका ने बताया कि उनके लिए बेस्ट सालगिरह का गिफ्ट था। वर्ल्ड कप 2023 के बाद रोहित शर्मा अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ घर पर छुट्टियां मना रहे थे। भारतीय कप्तान ने फाइनल हारने की निराशा के बाद सुर्खियों से दूर रहने और अपने करीबी लोगों से सांत्वना पाने का फैसला किया। विश्व कप फाइनल के बाद रोहित शर्मा ने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से लंबा ब्रेक लिया। वो घरेलू मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का हिस्सा नहीं थे, और जो साउथ अफ्रीका का दौरा है उसमें मौजूदा वाइड बॉल लेग में भी नहीं खेल रहे हैं। रोहित शर्मा 26 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाली 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का हिस्सा हैं और वहां एक्शन में दिखेंगे। तो ये थी क्रिकेट की दुनिया की सबसे खूबसूरत लव स्टोरीज में से।
बाकी आप रोहित और रितिका की मैरिज एनिवर्सरी पर क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो भाई अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। हम इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं। आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम आपके लिए स्पोर्ट्स से जुड़ी अलग अलग कहानियां लेकर आते रहेंगे।